मेरे पास एक रिचार्जेबल एलईडी लाइट आया हुआ है जो कि ऑनलाइट कंपनी का है, और इसमें क्या प्रॉब्लम है मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये अभी ऑपोजिशन में है, मैं इसे हाई कर रहा हूँ तो नहीं जल रहा है, फिर मैं लो करूँगा तो भी नहीं जल रहा है, लेकिन इसको जैसे ही मैं चार्ज में दूंगा, ये चार्जिंग लाइट है, एलईडी है, मैं जैसे ही इसे चार्ज में दूंगा तो ये हल्का ग्लो करेगा, है ना, ये हल्का ग्लो कर रहा है, मगर चार्जिंग लाइट चार्जिंग शो नहीं कर रहा है। और देखिए इसका प्रॉब्लम देख लीजिए, और ये मेरा सीरीज लैंप ग्लो कर रहा है। तो सीरीज लैंप ग्लो करने का मतलब आप श्योर हो जाइए कि इसका जो है ब्रिज रेक्टिफायर ख़राब है, ये लाइट भी पूरी तरीका से ग्लो नहीं कर रहा है, हल्का ग्लो कर रहा है। यानी ये सीरीज लाइट जलने का मतलब है कि आप श्योर हो जाइए कि इसका ब्रिज रेक्टिफायर ख़राब है, शॉर्ट सर्किट हो गया है। और ब्रिज ख़राब होने के साथ साथ जब ब्रिज शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो ब्रिज से डायरेक्ट एसी चला जाता है, तो एसी जाने के कारण इसका जो है कैपेसिटर भी ख़राब हो जाता है, यानी कैपेसिटर पर डायरेक्ट प्रेशर जो है एसी का पड़ जाता है, जिसके कारण कैपेसिटर फट भी सकता है। तो जब तक इसको खोलेंगे नहीं, पहले तो ये श्योर है कि इसका ब्रिज शॉर्ट हो गया है, तो पहले जब तक खोलेंगे नहीं पता नहीं चलेगा। तो मैं खोल के देखता हूँ, तो मैं खोल दिया हूँ, अब मैं इसे देखता हूँ। ये देखिए, ये दो बैटरी है, 4.5 वोल्ट का दो बैटरी है, यानी इसका पावर अच्छा है। ये हो रहा है इसका सर्किट, इसको सर्किट को पहले खोलना पड़ेगा। ये एसी लाइन है, ये देखिए इसका ब्रिज है, और ये देखिए मैंने कहा ना इसका कैपेसिटर, ये देखिए इसका कैपेसिटर जो है पूरा फट गया है, बास्ट हो गया है, क्योंकि इसमें डायरेक्ट एसी लाइन चला गया है। अब इसका ब्रिज है दूसरे टाइप का ब्रिज है, एसएमटी ब्रिज है, तो इसमें थोड़ा क्रिटिकल है ब्रिज। तो खैर मैं, आप कोई भी एलईडी हो तो एलईडी का जो ये ब्रिज है इसे खोलकर आप लगा सकते हैं, लेकिन इसका जो है प्रिंट यहाँ एलईडी का प्रिंट जो है पीछे साइड में होता है, ब्रिज पीछे साइड में होता है, इसका लेकिन पीछे साइड में नहीं है, इसका ऊपर से दिया हुआ है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले मैं इस ब्रिज को खोल लेता हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। फ्रेंड्स, मैं तो ब्रिज खोल लिया हूँ, एसएमटी ब्रिज है, अब इसका प्लस माइनस देख के लगाना पड़ेगा, एसी साइड किधर है अब डीसी साइड किधर है। तो एसी साइड इस तरफ है और डीसी साइड में प्लस और माइनस दिया हुआ रहता है, प्लस राइट साइड होता है और माइनस लेफ्ट साइड होता है। तो मैं इसे फिट करने का कोशिश करूँगा, ये मैं अगर नीचे से लगाऊँगा तो उल्टा हो जाएगा, मैं अगर इस साइड से लगा देता हूँ ब्रिज को तो ये उल्टा हो जाएगा। इसे क्या करना पड़ेगा, इसे काटना पड़ेगा। मैं यहाँ से इसका ऊपर काट के पिन सब निकालता हूँ, मैं काट के आप लोगों को पिन दिखा देता हूँ। मैं इसे काट दिया हूँ, ब्रिज को काट दिया हूँ, और काटने के बाद यहाँ खूटा सब निकला हुआ है, ये खूटा सब निकला हुआ है। अब मैं इस ब्रिज को इसी खूटे के साथ सोल्डरिंग करूँगा, इस टाइप से रखकर मैं सोल्डरिंग कर दूँगा, और ये कैपेसिटर को मैं बदलता हूँ। तो सबसे पहले कैपेसिटर खोलना पड़ेगा, कैपेसिटर को मैं पहले खोल देता हूँ, उसके बाद ही मैं दिखाऊँगा। मैं वीडियो को रोकता हूँ। कैपेसिटर देखिए, कैपेसिटर का क्या अवस्था हुआ है, पूरा फट गया है शॉर्ट सर्किट से। अब इसका पूरा वैल्यू भी मुझे पता नहीं है, फिर भी मैं कैपेसिटर लगा देता हूँ। 50 वोल्ट 100 यूएफ का मैं लगा देता हूँ, 50 वोल्ट 100 यूएफ। तो मैं सबसे पहले मैं ब्रिज को लगाता हूँ, उसके बाद दिखाता हूँ आप लोगों को। मैं तो ब्रिज लगा दिया हूँ, ये देखिए ब्रिज को मैं लगा दिया हूँ ऊपर से, और इसका जो ब्रिज था मैं काट के फेंक रहा हूँ। अब मैं इसमें कैपेसिटर लगा दूँगा, कैपेसिटर वेरी सिंपल है, प्लस माइनस यहाँ दिया हुआ है, अब प्लस माइनस मैं दे के दिखा देता हूँ आप लोगों को। फ्रेंड्स, हम तो इसमें कैपेसिटर, ब्रिज और एक एलईडी, ये एलईडी भी चार्जिंग एलईडी भी ख़राब हो गया था, उसको मैं बदल दिया हूँ। और अब इसमें क्या बदलना है, ये स्विचिंग ट्रांजिस्टर को भी बदलना है, क्योंकि ये जो करंट गया है, एसी करंट जो गया है, ये पूरा स्विचिंग ट्रांजिस्टर भी ख़त्म हो गया होगा। तो इसमें जो है मेन सभी चीज़ चेंज हो गया। अब देखते हैं स्विचिंग ट्रांजिस्टर को
बदल कर मैं बदल के दिखाता हूँ। इसका नंबर है D882 इसका नंबर है। मैं इसे चेंज, इसके बदले में मैं एक ले लिया हूँ, इसे मैं लगा के आप लोगों को दिखाता हूँ। मैं ट्रांजिस्टर भी चेंज कर दिया हूँ, ये देखिए नया ट्रांजिस्टर लगा दिया हूँ। अब इसमें जो है बैटरी तो पूरा डाउन है, बैटरी को मैं चार्ज में लगाकर आप लोगों को दिखा देता हूँ। मैं इसे पूरा फिट कर लेता हूँ, उसके बाद बैटरी चार्ज में लगाकर आप लोगों को दिखा देता हूँ। फ्रेंड्स मैं फिट कर दिया हूँ, अब मैं इसे चार्जिंग लगाकर छोड़ देता हूँ। अब 4-5 घंटा के लिए मैं छोड़ देता हूँ। ये चार्जिंग में है, ये जल रहा है, देखिए जल रहा है। अब मैं इसे चार्जिंग में छोड़ देता हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को दिखा दूँगा।